बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने बंगाल के वर्तमान हालात को साल 2005 के पहले के लालू राबड़ी शासनकाल के बिहार की तरह बताया है। उन्होंने लिखा कि लालू का राष्ट्रीय जनता दल पड़ोसी राज्य में बसे लाखों बिहारियों की चिंता किए बिना टीएमसी के साथ है। ममता बनर्जी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि अब पश्चिम बंगाल में भी वैसा ही परिवर्तन होगा जैसा बिहार में साल 2005 में हुआ था। ममता बनर्जी पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल को उद्योगों का कब्रिस्तान बनाकर बेरोजगारी बढ़ा दी है। रोहिंग्या सहित अन्य घुसपैठियों को बसाकर स्थानीय लोगों की रोटी और संस्कृति छीन ली है। चिटफंड घोटाला, कोयला घोटाला और कमीशनखोरी का राजनीतिकरण कर राज्य को उसी हाल में पहुंचा दिया जिस हाल में कभी लालू राबड़ी राज में बिहार पड़ा था। अपने ट्वीट में सुशील मोदी आगे लिखते हैं कि ममता बनर्जी और लालू प्रसाद यादव की राजनीति एक है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पड़ोसी राज्य में बसे लाखों बिहारियों की चिंता किए बिना आंख मूंद कर टीएमसी का समर्थन कर रहा है। बिहार में जैसा परिवर्तन 2005 में हुआ था उससे बड़ा बदलाव बंगाल में होगा। बंगाल में खेला नहीं परिवर्तन हो बे। अपने दूसरे ट्वीट में सुशील मोदी ने लिखा है कि जिस टीएमसी की सरकार ने बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपये नहीं लेने दिए वह अपने घोषणा पत्र में उन्हें 10,000 रुपये सालाना देने का वादा कर रही है। जिस ममता बनर्जी ने टाटा जैसे सम्मानित निवेशकों को नैनो कार प्लांट ही लगाने दिया वह अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ के नए निवेश और 10 लाख फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रही है। टीएमसी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।